ग्लोबल वेक्ट्रा को देखिए, हम सुबह से बोल रहे हैं कि ये जो स्टॉक है काफी एक्टिव हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को चार हिस्सों में बांटा गया है उसमें सिंगल इंजन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर सेगमेंट भी शामिल है 18% के आसपास के। तो कैबिनेट के फैसले का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, 18% का एक गैप अप ओपन होने जा रहा है। देखिए, जब भी गैप होता है तो आपको कॉशियस होना चाहिए, ट्रेड इतनी स्ट्रांगली शुरुआती सत्र में इनिशिएट नहीं होंगे, इसको थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद अपनी रणनीति बनाइए। लेकिन जैसे दीपाली ने कहा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसमें जैन इरिगेशन शामिल है वो तेज है, एसपी अप्रिल जिस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, जेएचएस स्वेंगार्ड इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली एक्टिविटी देखने को मिली है और आज भी तेज है ये स्टॉक। ओरिएंट एब्रेसिव पे नजर रखी जा सकती है, ओरिएंट एब्रेसिव एक और स्टॉक स्मॉल कैटेगरी में जहां पर 4% के आसपास की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। ऑटो एंसरी प्ले में पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली एक्टिव होते हुए नजर आए थे, जिसमें ये जो राणे ग्रुप के स्टॉक्स थे यहाँ पर काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन थी। आज भी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आप जिनको रेडार पर रखें, जिसमें राणे मद्रास जैसे स्टॉक्स, राणे ब्रेक जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है और साथ साथ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3% की तेजी और हो सकता है कि आज शुरुआत इसमें काफी पॉजिटिव फ्रंट पर देखने को मिले। लेकिन दीपाली फिर से बता दूं कि जो हर्डल है मार्केट्स के पास वो आज के सत्र में 9430 का लेवल ही है, इसको क्रॉस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। 9400 की कॉल का प्रीमियम कल की क्लोजिंग के हिसाब से मात्र 15 पॉइंट्स का है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़त इंडियन मार्केट्स पे एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर 9430 को पार कर गए उसके बाद जो शॉर्ट ट्रैप जो होंगे वो बाजार को नए लेवल से ले जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा 9430 इंपॉर्टेंट हर्डल है मार्केट के पास। 9430 इंपॉर्टेंट हर्डल है और अभी इंडिकेटिव एक्शन में 23 पॉइंट्स की बढ़त लेकर निफ्टी 9384 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स करीब 70 पॉइंट्स ऊपर। एक बार पूरे डिफेंस स्पेस को भी देख लेते हैं क्योंकि आज खबर पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स मजबूत खुल सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रो, वालचंदा इंडस्ट्रीज, रिलायंस डिफेंस, आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो 2.25% ऊपर 130 के लेवल्स पर है इंडिकेटिव एक्शन में, वालचंदा इंडस्ट्रीज करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिलायंस डिफेंस बिल्कुल फ्लैट है 55.95 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन BEML, BEL, L&T इन सभी स्टॉक्स पर आप फोकस करें, L&T करीब 0.5% ऊपर 1692 के लेवल्स अभी दिखा रहा है, BEML करीब 1% ऊपर है 1144 के लेवल्स पर, BEL में करीब 1.25% का मूव है। दो और स्टॉक्स देख लेते हैं, एक तो रेमंड और दूसरा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, क्या रुझान है दोनों शेयर्स में। रेमंड 5% नीचे है और इस 5% नीचे की वजह भी है, 5 जून को कंपनी की AGM है, उस AGM में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिवली वोट करने के लिए कहा है, जो ये अपना कुछ लैंड पार्सल्स बेच रहे हैं, लेकिन IIAS ने एक नोट आज जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये वैल्यू इरोड करेगा शेयर होल्डर्स की और उसके अगेंस्ट में वोट करने की बात की, तो वही नर्वसनेस दिख रही है। आप देखिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ये 370 नीचे दिख रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है और रीजन ये है कि आज एक्स डेट है डीमर्जर की। अब जो प्राइस ट्रेड होगा 104 का, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस के हिसाब से ट्रेड होगा क्योंकि जो प्रेफर बिजनेस है या फिर जो कस्टम होल्डिंग बिजनेस है वो कंपनी ने डीमर्ज कर दिया है, तो ये डीमर्जर का इंपैक्ट दिख रहा है क्योंकि आज एक्स डेट है डीमर्जर की, इसीलिए जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है वो करीब 300 से ज्यादा नीचे दिख रहा है, लेकिन रेमंड करीब 5% नीचे है। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अब करीब 23 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स में 70 पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है। निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स का बिहेवियर देखना होगा, स्पेशली सरकारी बैंक जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी कमजोर हुए हैं। SBI इंडिकेटिव एक्शन में थोड़ी बढ़त दिखा रहा है, PNB भी करीब 0.25% ऊपर ट्रेड करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी काफी हैमरिंग हुई है, वो स्टॉक भी इंडिकेटिव एक्शन में अब करीब 0.5% ऊपर 176 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक फार्मा स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, वहां पर भी हो सकता है आज के सेशन में एक मिक्स्ड बायस दिखे, ल्यूपिन कमजोर हो सकता है, सिप्ला के नंबर्स आने हैं, वो स्टॉक्स इंडिकेटिव एक्शन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहा था। इस बीच मार्केट्स की शुरुआत हो चुकी है, 24 अंक ऊपर निफ्टी 9383 के लेवल्स पर खुला है, सेंसेक्स में करीब 70 पॉइंट्स की बढ़त 30367 पर सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक बैंकिंग स्टॉक्स को, उसके बाद हम निफ्टी गेनर्स की ओर रुख करेंगे। आप देखिए निफ्टी, ये निफ्टी गेनर्स है इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर, ये निफ्टी बैंक में करीब 0.25% की बढ़त है, 22601 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, हालांकि जो रोल ओवर पोजीशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है नेक्स्ट सीरीज के लिए, अगर हम प्रसाइसली निफ्टी बैंक की बात करें। एक बार देख लेते हैं सभी सरकारी बैंकों का हाल, SBI 0.5% ऊपर, PNB 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 148 के लेवल्स पर, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव है, इलाहाबाद बैंक 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादातर सरकारी बैंक की जो शुरुआत हुई है वो अभी पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। लेकिन अगर हम देखें इंडेक्स के आज के बढ़ने वाले शेयर्स, तो अदानी पोर्ट्स लीड करते हुए, कल नंबर्स आया, नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक 3% चला था, आज भी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव फ्रंट पर ही हुई है। बजाज ऑटो, L&T, यस बैंक, ये शेयर्स है जो कि 1% तक का मूव दे रहे हैं। इन्फोसिस, HDFC, गेल, L&T, इन स्टॉक्स की भी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। वहीं अगर हम देखें गिरने वाले शेयर्स को इंडेक्स के, जो स्टॉक्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसमें ल्यूपिन 7% नीचे,
1144 के लेवल्स, ये आशंका थी ही मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखने के बाद, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जो प्राइस इरोजन है यूएस में वो यहाँ से फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। 7% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वही नर्वसनेस हम बाकी फार्मा शेयर्स में भी देख रहे हैं। औरबिंदो फार्मा कमजोर 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज वीक है। बाकी कुछ और लूजर्स को देखें, टाटा मोटर्स कल चला था, आज थोड़े हल्के दबाव में ट्रेड कर रहा है, 0.1% नीचे है। टाटा स्टील, हिंडालको, पावर ग्रिड, ये कुछ और कमजोर स्टॉक्स हैं आज के सेशन के, जो कि नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं मिड कैप का हाल भी, क्योंकि पिछले 3 दिनों में स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप की काफी पिटाई हुई है। ये बढ़ने वाले शेयर्स हैं। भारत फाइनेंशियल आज एफएनडो बैंड से बाहर हुआ है, कुछ ब्रोकर हाउसेस ने अपग्रेड भी किया है स्टॉक को, 5% ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। हमने कहा भी था कि ये मजबूत हो सकता है। सुजलॉन, दीवान हाउसिंग, ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं जिनकी शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। एक्साइड, इंडिया पोस्ट रियल एस्टेट, ये स्टॉक्स भी 1-1% ऊपर खुले हैं। लेकिन मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे जहां पर कमजोरी है आज की ओपनिंग में, तो वॉकहार्ट 1.5% नीचे है, इंडिया सीमेंट, रामको सीमेंट, यहां भी 1-1% तक की वीकनेस देखी जा रही है। एबीबी, एमएनएम फाइनेंशियल, अमराजा, परसेंट सिस्टम, ये स्टॉक्स भी करीब 1-1% नीचे है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा आज देखना कि डिफेंस स्टॉक्स का क्या बिहेवियर है, जस्ट शुगर स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, पूरी फार्मा एज अ पैक क्या रुझान दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव के स्टॉक्स चेक कर रहा था कि शुरुआती सत्र में तेजी कहाँ बन गई, उसमें डेफिनेटली भारत फाइनेंशियल सबसे ज्यादा तेज स्टॉक है एफएनओ में। आज एक्सपायरी का दिन है और इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें, स्ट्रॉन्ग मूवर है। और वैसे भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स जैसे कि इक्विटास और भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में आज रिटर्न्स पॉजिटिव मिलने की संभावना ज्यादा थी। इसके अलावा एचडीआईएल एक और स्टॉक निचले स्तरों से एक पुल बैक शो कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली बिक वाली हमने पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी देख चुके हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि नतीजे काफी बेहतर थे, उसका इंपैक्ट आना था स्टॉक पे, वो आज हुआ। जैन इरिगेशन एक और डेरिवेटिव मार्केट पे सबसे एक्टिव स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स यहां पर आज के सत्र में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी 4% की तेजी ऑलरेडी फास्ट मनी की कॉल है और 90 का में अचीव होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ कॉनकॉर पिछले कुछ दिनों में एक्सपायरी से पहले बहुत स्ट्रॉन्गली गेन करता हुआ नजर आया था, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रही है। लेकिन उज्जीवन फाइनेंशियल पे नजर डालिए, बात वही है कि जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं ये आज के सत्र में काफी स्ट्रॉन्गली रिटर्न डिलीवर कर रही है और 2% ज्यादा के रिटर्न उज्जीवन में आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। एस्कॉर्ट्स देखना अहम होगा, पिछले कुछ दिनों में लगातार वन वे ट्रैक पे है और आज के सत्र में अभी भी 2% के आसपास की तेजी ये पर्टिकुलर स्टॉक शो कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ स्टॉक्स, ग्लोबल वेक्ट्रा इंडिकेटिव एक्शन में 18% ऊपर था ये पर्टिकुलर स्टॉक, कैबिनेट के फैसले का असर आता हुआ नजर आ, 20% का अपर फ्रीज इस पर्टिकुलर स्टॉक में लग रहा है। वर्धमान पॉली एक और स्टॉक पिछले कुछ दिनों में लगातार वन वे ट्रैक पे है और आज के सत्र की ओपनिंग इस स्टॉक की फिर भी पॉजिटिव हुई है। एसपी अपैरल्स पे एक और स्टॉक जहां पर आज मोमेंटम पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। नेलकास्ट को अपने रडार पर रखें, यहां पर हल्की तेजी देखने को मिल रही है और बहुत वही ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं ये बाजार पे इस समय फ्लेवर में नहीं है और ऐसा तब होता है जब इंस्टीट्यूशन की पार्टिसिपेशन नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में बहुत हेवीली यहाँ पर जब बाजार खुलता था तो इनमें रिटर्न मिलते थे, आज इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं मिल रहे, इंडेक्स हैवी वेट्स पर और एफएनओ के स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न।